शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अदालत में अपने ही पक्ष के वकील को जान से मार देने की घटना ने सारे शहर को चौंका दिया है। कल अदालत की कार्रवाई के दौरान मुलजिम विशाल अग्निहोत्री ने अपने ही वकील जगदीश खुराना की हत्या कर दी। विशाल अग्निहोत्री, विशाल अग्निहोत्री, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। विशाल खुद किसी से नहीं मिलना चाहता। हमें आप अंदर जाने दीजिए, हम विशाल से कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन विशाल किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, ना ही किसी से मिलना चाहता है। आप लोग एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, हम विशाल से फिर बात करते हैं और देखते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं। हम विशाल से मिलकर ही रहेंगे। खामोश, मैंने कहा ना, आप में से कोई भी विशाल से नहीं मिल सकता। कई सामाजिक संगठनों और बड़ी हस्तियों की मांग पर सरकार विशाल अग्निहोत्री के केस के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर रही है। 15 सदस्यों वाली ये कमेटी विशाल के केस से जुड़े हर पक्ष पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। देखो विशाल, तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, बेशक ये तुम्हारी अपनी सोच है, अपना फैसला है, मगर तुम्हारा ये केस अब तुम्हारा जाति मसला नहीं रहा है। इस शहर के हर आदमी की जुबान पर तुम्हारा नाम है, यहां तक कि पुलिस डिपार्टमेंट की ईमानदारी पर भी सवाल उठ खड़ा हुआ है। मैं जानता हूं तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है। ये हालात हमारे सिस्टम ने ही तुम्हारे सामने खड़े कर दिए थे। ठीक है, तुमने चंद गलत लोगों को मारा है, लेकिन विशाल इससे कहीं कोई बड़ा सुधार तो नहीं होने वाला। कुछ और लोग भी हैं सजा के हकदार, जो कुर्सियों पर अब भी चिपक कर बैठे हुए हैं। विशाल, तुम्हारा ये केस कमेटी के सामने खुलने से लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के जिन करप्ट ऑफिसर्स ने तुम्हारे खिलाफ बुराइयों का साथ दिया है, वो लोग एक्सपोज होने चाहिए, उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए। विशाल, सिस्टम से जुड़ा हर आदमी बुरा नहीं है, कुछ अच्छे और ईमानदार लोग भी हैं। उन्हीं की कोशिशों का यह नतीजा है कि आज भी आम लोगों का विश्वास हमने पूरी तरह से खोया नहीं है। मैं और मेरे कई ऑफिसर्स कमेटी के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और विशाल, मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा साथ दो। ठीक है, कमेटी जो मुझसे पूछना चाहती है मैं बता दूंगा। कानून का एक और नया तमाशा देखने को मिलेगा डीजीपी साहब, लेकिन कमेटी को मिलने से पहले मैं अपने घर जाना चाहूंगा। विशाल अग्निहोत्री, डीजीपी साहब ने आपको हमारी इस कमेटी के बारे में काफी कुछ बता दिया होगा। मैं और मेरे साथी कानून और व्यवस्था के कई जिम्मेदार महकमों के साथ जुड़े रहे हैं। हमने कई संगीन अपराधों पर अपने फैसले भी सुनाए हैं। वैसे जुर्म के लिए तो कानून का एक ही नजरिया होता है, अपराध क्या है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा यह पहला केस है जिसके लिए कानून को अपने उसूलों से हटकर सोचना पड़ रहा है। मिस्टर विशाल, तुम्हारे मामले के वो पक्ष जो पुलिस ने अदालत के सामने रखे हैं, जैसे कि तुम्हारी चार्जशीट, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ मिले सबूत, गवाह, सिर्फ उन्हीं को मद्देनजर रखकर इस कमेटी का किसी नतीजे पर पहुंचने का कोई इरादा नहीं है।
ये कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है और हमें यकीन है कि तुम पूरा सहयोग दोगे। मिस्टर कृष्णमूर्ति, आप मिस्टर विशाल, कत्ल जैसा जुर्म किसी के हाथों भी एक जुनून में होता है और यह गुनाह हो जाने के बाद पछतावा होता है। मिस्टर खुराना को मारने के बाद ऐसा कुछ आपको भी महसूस हुआ? मिस्टर कृष्णमूर्ति, एक गुनहगार को सजा सुनाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? जाहिर है मुझे सुकून मिलता है कि मैंने कानून की हिफाजत की है और एक अपराधी को सजा सुनाकर एक नेक काम किया है। You're right, Mr. कृष्णमूर्ति, नेक काम करने के बाद सुकून मिलता है, पछतावा नहीं होता। I object, Mr. Chairman. Mr. विशाल अग्निहोत्री को अपने बातचीत करने के ढंग पर कंट्रोल होना चाहिए। सच्चाई के एक लफ्ज से तिल मिलावट है। अभी तो मैंने अध्याय शुरू ही नहीं किया। आज यहाँ कानून का हर आदमी सच्चाई, ईमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जुबान पर इन लफ्जों को लिए घूम रहा है। अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपराधी नहीं जुड़ता। इंसाफ के लिए मैं आतंक के रास्ते पे ना चलता। लोग मुझे खूनी ना कहते, कई खूनों के इल्जाम अपने सर पे लिए बैठा हूँ। खूनी बनने के संस्कार मुझे घर से नहीं मिले। मेरे पिताजी एक स्कूल मास्टर थे, बच्चों में अच्छे संस्कार डालना उनका पेशा था। अपनी तकलीफों को भूलकर दूसरों के लिए जिया करते थे वो। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अर्जियां उन्होंने अपने लिए नहीं लिखी। लोगों की तकलीफों को लेकर सरकारी दफ्तरों में भटकते रहते थे वो। कभी किसी की जमीन के लिए, तो कभी किसी की बेटी की दहेज के लिए, तो कभी किसी गरीब की जिंदगी के इलाज के लिए। पढ़िए आप लोग, पढ़िए। तो ये हुर हुर मत किया करो। दाना डालने वाले पर कोई गुर्राता है क्या? अरे हाँ हाँ, जानता हूँ कि तुम लोग नाराज हो, सोमवार को नहीं आया था पिछले हफ्ते। अरे आराम से, कबूतर उड़ रहे हैं, देख नहीं रहा? मास्टर जी, अपना सब काम बराबर टाइम पे, आप ही आधा घंटा लेट हुए। लेकिन गोविंद आ। अरे मास्टर जी, अपनी इस पलटन का डाइनिंग हॉल कहीं और लेकर जाओ। इन कबूतरों के चक्कर में रहे तो हमारा दो यही बजने वाला है। 1 बजे डॉक्टर चुगानी के पास चोपड़ा साहब का कुत्ता लेकर जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए, और फिर अपनी दवा दारू का इंतजाम। सुबह सुबह चढ़ा कर आए हो? हाँ। अरे नहीं मास्टर जी, ये तो रात का उतारा है। अच्छा अच्छा अच्छा, रात की चढ़ी उतारने के लिए सुबह चढ़ाते हो और सुबह की उतरी शाम को चढ़ाते हो। अगर चढ़ाकर ही रखना चाहते हो तो उतारते क्यों हो गोविंद? अरे मास्टर जी, अरे सबसे पहले सुबह सुबह तू ही मिलता है गोविंद, तू तो होश में मिला कर। चोगले के घर जाना था, पता नहीं उसकी अर्जी लाया हूँ कि नहीं। पकड़िए, बांट दे कबूतरों में, देखता हूँ इस बैग में हो शायद। अरे कबूतरों ने बहुत खा लिया, शाम की दारू का इंतजाम हो गया। ये लो, ये मेयर साहब का लेटर है, अब ये टाटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा बिना किसी खर्चे के। मास्टर जी, आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया। चोगले, क्या किया है मैंने? 2-4 दिन भाग दौड़ की ना, कौन सा आसमान उठा लिया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने। हाँ, जाके चाय ले मेरे लिए अच्छी सी। पुलिस ने मूर्ति चोरों को पकड़ा, मूर्ति बरामद की, मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार किया। विशाल, माँ आपने पढ़ाई दे मुझे अखबार, ला मेरे पास दे, वरना सुबह सुबह इनके हाथ लग गई ना तो सारा दिन इसी अखबार की खबरें चलेंगी। सुबह 6 बजे के निकले हुए, अभी तक घर नहीं आए। इसे कहाँ छुपाऊं मैं? यहाँ नहीं, यहाँ तो ढूंढ लेंगे। ये जगह ठीक है। गायत्री, कहाँ रह जाते हैं आप? कहाँ रह गए थे? ये फूल मंदिर में चढ़ा देना। विशाल गया? नहीं, बाहर बैठा है, चाय पी रहा है। मिल गया। निकल रहे हो भाई? हाँ बाबू जी। नाश्ता किया? हाँ कर लिया। हाँ जरा जाते जाते बैंक से होते जाना, मेरी पासबुक कलेक्ट कर लेना। जी। अगली बार अपनी माँ से कहना अखबार किसी अच्छी जगह छुपाया करे। मूर्ति चोरी,
दी क्या? नहीं, मैंने ढूंढ लिया। हाँ लो बेटा घड़ी। अरे मंदिर में एक मूर्ति की चोरी। अच्छा मामा चलता हूँ। पुजारी गिरफ्तार। ये रही आपकी चाय। आ गया। अरे गायत्री तुम भी अपनी चाय लेकर यहाँ आ जाओ ना। आओ यहाँ बैठो थोड़ी देर। अब मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारी दुनियादारी सुनूंगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? वैसे भी आज सारा दिन इसी में जाएगा, मंदिर पुजारी मूर्ति, है ना? इतने सारे काम पड़े हैं, मुझे आजकल वैसे भी दौड़ धूप नहीं होती। अपना बच्चा कामकाज से लग गया है, कमाने लग गया है, अब लोगों से जरा मिलो जुलो, उसकी ब्याह की बात तो निकालो। अरे हो जाएगा ब्याह, ब्याह भी हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अपने बेटे के लिए? कांता मेरा नाश्ता लगाया? ओ मैम साहब वेरी गुड। ये क्या है? तुम्हारी शादी के लिए मैम साहब। मैंने कहा ना मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी। अरे अरे कांता भाई, मंगल है तेरा भाई, सवेरे सवेरे बम फोड़ दिया, इतने बड़े बड़े आदमियों की तस्वीरें मेरे कदमों में डाल दी। अरे 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 है, ये तो धोती में ही घुस गया। अरे बेटी ये तो अमेरिका से डॉक्टर बन के आया है। अरे यही तो आपका पुराना स्टाइल है डैडी, पहले आप मुझे फोटोज दिखाएंगे, फिर आप मुझसे कहेंगे इनमें से कोई पसंद करो, और फिर आप हम दोनों की कुंडलियां मिलाएंगे, और फिर आप ही कहेंगे कि इसका राहु खराब है, इसका केतु खराब है, इसका शनि खराब है। अरे ये सब पुराना स्टाइल है डैडी, इस प्रोसेस में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, मैं नए स्टाइल की शादी करूंगी। अरे डैडी मजा तो जब आए कि कोई मुझसे टकराए, मैं के रूप में मुझे संभाले, और मैं उसकी आंखों में देख के कहूं यही तो है वो। तू मुझे डुबाएगी। अरे कहीं तू ऐसे आलतू फालतू लड़के से मत टकराना जो मुझे करोड़पति से लोड़पति बना दे। अरे प्यार तो प्यार होता है डैडी, कोई दिल को जच्चा है ना तो फिर दौलत क्या दुनिया क्या। बाय डैडी। अरे पर तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। आप खामोखा छोटी बात को इतनी लंबी करके परेशान हो रहे हैं। मैं नेहा बिटिया को थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो सही वक्त पर सही जगह सही लड़के से टकराएगी। आप लोग प्लांस की बिल्कुल केयर नहीं करते, अगर इस बार प्लांस को कुछ हो गया ना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। यही तो सोचा था मैंने, टकराना गिरना फिर संभलना, फिर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, यही तो है वो। आई लव यू यार, आई लव यू। ये क्या हो रहा है? आउच! हो गया, कुछ हो गया, हो गया। क्या हो गया? बोलो। डैड मैं अचानक मुड़ी, मैं इनसे टकराई, मैं गिरने लगी थी कि इन्होंने मुझे, इन्होंने तुझे क्या? संभाल लिया। संभाल लिया ना? हाँ। हो गया ना संभालना? चलो छोड़ो 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 छोड़ो, हाथ छोड़ो छोड़ो। और नहीं है साहब, जब ये गिर रही थी तो आप नहीं संभाल सकते थे? 17 साल से तो आप मेरा हर काम संभालते हैं, आज क्या हो गया आपको? देखिए स्टाफ भी हंस रहे वहां खड़ा खड़ा। ये क्या हो रहा है? चल 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 तू मेरे साथ चल। अरे तू नहीं, तू चल। सबसे पहले तेरी आंखें टेस्ट करवाता हूँ, कम से कम तू सही जगह पे तो टकराए। चल चल जल्दी। चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी कोई होए, दो दिल जब प्यार करें तो रोक सके न कोई।